हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन जॉइनिंग ओरिजिन एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कर्व एंड अ लाइन। सो देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। हमें मतलब फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन जॉइनिंग ओरिजिन एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कर्व एंड लाइन। सो बेसिकली एक कर्व है हमारे पास एंड ये इस कर्व को एक लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस कर्व को लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट से, उन पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइनिंग जो लाइंस हैं, उन पॉइंट्स को ओरिजिन से जो ज्वाइनिंग लाइन है, हमें उनका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, सो लेट अस अज्यूम दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज अवर ओरिजिन। सो एंड दिस इज कर्व एंड दिस इज ए कर्व एंड दिस इज लाइन। ओके, सो हमें इन दो ओ ए और ओ बी का हमें कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। सो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा कर्व किससे रिप्रेजेंट हो रहा है। कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 HX वाई प्लस VY² प्लस 2 GX प्लस 2 FY प्लस 2 FY प्लस सी। ओके, इज इक्वल टू 0। एंड हमारी लाइन क्या है, लाइन हम कंसिडर इक्वेशन ऑफ लाइन कंसिडर कर लेते हैं। LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0। LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0। सो अब हमें फाइंड करना है इस कर्व और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। सो इसके लिए मेथोलॉजी क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं LX प्लस MY इज इक्वल टू -N। देन हम N से इसको डिवाइड कर देते हैं, -N से डिवाइड कर देते हैं। ओके, LX प्लस NY इज इक्वल टू LX प्लस MY बाई -N इज इक्वल टू 1। ओके, इसको हम एज्यूम करते हैं इक्वेशन 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन 2। एंड यहाँ पे हमारे ए एंड बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इक्वेशन 1 एंड 2 के। ओके, 1 एंड 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो ए एंड बी क्या है, ए एंड बी हैं हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 1 एंड 2, इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। सो अब हम करेंगे क्या, बेसिकली हम इक्वेशन 1 को होमोजीनियस बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 2। सो इसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को कैसे लिखेंगे, राइट इक्वेशन 1 एस AX² प्लस 2 HX Y। इसको हमें होमोजीनियस बनाने के लिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, AX² प्लस 2 HX Y प्लस BY² प्लस 2 GX इंटू 1 प्लस 2 FY इंटू 1 प्लस C इंटू 1 का स्क्वायर। ओके, सो हम विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 2 हम 1 की जगह LX प्लस NY माइनस N पुट कर देंगे। सो फ्रॉम हेयर, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, AX² प्लस 2 HX Y प्लस BY² प्लस 2 GX इंटू LX प्लस NY बाई -N। ओके, एंड 2 FY इंटू LX प्लस MY LX प्लस NY डिवाइडेड बाई -N LX प्लस MY, सॉरी MY, यहाँ पे भी MY। ओके, डिवाइडेड बाई -N एंड प्लस C इंटू LX प्लस MY बाई N का स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन थर्ड। ओके, सो दिस इक्वेशन थर्ड इक्वेशन इज सो थर्ड इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन थर्ड इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं
सिंस द जो ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो इक्वेशन वन एंड टू को सेटिस्फाई करेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी सेटिस्फाइज वन एंड टू एंड ऑल्सो सेटिस्फाइज फोर थ्री सेटिस्फाइज वन एंड टू वन एंड टू सो दिस कोऑर्डिनेट ऑल्सो सेटिस्फाइज दिस सेट कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइज ऑल्सो दिस कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइज ऑल्सो थ्री बिकॉज थ्री इज फॉर्म बाई वन एंड टू दिस सेटिस्फाइज थ्री सिंस विच इज फॉर्म बाई वन एंड टू एंड सो इक्वेशन थ्री क्या हो जाएगा लोकस ऑफ पॉइंट ए एंड बी सो इक्वेशन थ्री विल बी लोकस ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी ओके एंड जो इक्वेशन थ्री है दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड इन सेकेंड डिग्री सो हम जानते हैं होमोजीनियस ऑफ सेकेंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओके सो इक्वेशन थ्री सो हैंस इक्वेशन थ्री इज Hence equation 3 is combined equation of pair of lines joining origin and points of intersection of the curve and line required equation of pair of lines so in the next video we will do some examples.